नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है ममता का मोल। ये कहानी है एक आदमी की जिसने जीवन में बहुत सफलता पाई, बहुत ऊंचाई तक पहुँच गया, सब कुछ है उसके पास। उसे एहसास हुआ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की ममता और प्यार के आशीर्वाद से। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज मुझे ज़िंदगी में जो कुछ मिला है या जहाँ मैं पहुँचा हूँ ना, सिर्फ आपके ममता, आपके प्यार की वजह से। इसलिए मैं उस ममता का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ हैरान हो गई। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें उसका कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बच्चे के लिए किया, जो मेरा फ़र्ज़ था। वो जिद पड़ गया, नहीं माँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए, आप जो चाहती हैं वही होगा। उसकी जिद देखकर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम उस कर्ज को चुकाना चाहते हो तो क्या तुम जैसे बचपन में मेरे साथ सोते थे ऐसे ही आज सो सकते हो? उसने कहा, बस माँ, इतनी सी बात, आज रात को ना मैं आपके साथ ही सोऊंगा। रात हुई, बेटा अपनी माँ के पास आके लेट गया। माँ चुपचाप उठकर एक मग में पानी ले आई और बेड पे धीरे से डाल दिया ताकि वो आगे बेटे की तरफ पहुंच जाए। और ऐसा ही हुआ, बेटे को बेड गीला गीला लगा तो वो और आगे खिसक गया। अब माँ ने उस मग से दोबारा पानी फैला दिया जो फिर बेटे तक पहुंच गया। बेटे ने हाथ लगाया तो सच में बेड दोबारा गीला, वो उठ के बैठ गया। बैठा तो देखता है कि माँ के हाथ में मग है। उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा, माँ ये क्या कर रही हैं आप, मुझे सोने नहीं देना चाहती हैं आप, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, आप मुझे गीले में कैसे सुला सकती हैं, और गीले में भला मुझे नींद कैसे आएगी, मैं सुबह ऑफिस कैसे जाऊंगा? ये सुन के माँ बोली, बेटा तुम मेरी ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो ना, तो तुम मेरे साथ एक रात भी गीले में नहीं सो सकते। जब तुम छोटे थे तब तुम ऐसे ही बिस्तर गीला करते थे, मैं तुम्हें और आगे खिसका के तुम्हारे गीले पे लेट जाती थी, तुम दोबारा फिर बिस्तर गीला कर देते थे, मैं सूखी जगह पर तुम्हें लेटाकर सारी रात गीले में सोती थी। तुम उस ममता का कर्ज चुका पाओगे लगता है तुम्हें? उस बेटे की आंखें खुल गईं। उसे याद आ गया कि कैसे मैं बचपन में जब बिस्तर गीला करता था तो मेरी वजह से मेरी माँ ने कितनी रातें गीले में सोकर गुजारी होंगी, बल्कि कितनी रातें तो ऐसी होंगी जब मेरी माँ मेरी वजह से सो ही नहीं पाई होंगी, लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये जाहिर होने दिया? आज मैं अपनी माँ को कह रहा हूँ कि आप मुझे सोने नहीं देंगी, मैं कल ऑफिस कैसे जाऊँगा? कभी मेरी माँ ने मुझसे ये शिकायत की कि तुम्हारी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई, मैं घर का काम कैसे करूँगी? कभी नहीं। मैं क्या उस माँ की ममता का मोल चुका पाऊँगा जो अनमोल है, जिसका मोल मैं कभी लगा ही नहीं सकता? कितनी नादानी थी मेरी जो मैं अपनी माँ से उनकी ममता का मोल पूछ रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल करी, आपका प्यार आपकी ममता तो अनमोल है, मैं दुनिया की किसी भी चीज़ से ना उसका कर्ज नहीं चुका सकता माँ, मेरी पूरी जिंदगी भी निकल जाए तब भी आपकी ममता का कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगा। माँ ने प्यार से अपने बच्चे को गले लगाया, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे को ममता प्यार दुलार ही देती है। और सच भी है, दुनिया के सारे कर्ज चुका सकते हैं लेकिन माँ की ममता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। एक माँ ही तो है जो सारे दुख सहकर भी हमेशा अपने बच्चे का भला ही सोचती है, अपने बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। हम उनकी ममता उनके प्यार का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ, अगर हम उनकी सिखाई हुई बातों को उनके दिए हुए संस्कारों को अपनी ज़िंदगी में लागू करें, हर वो काम करें जिससे माँ के चेहरे पर खुशी आए, तो उस कर्ज को तो हम नहीं चुका सकते लेकिन माँ की खुशी का छोटा सा कारण जरूर बन सकते हैं। क्योंकि हमारी माँ जैसा ना दुनिया में कोई भी नहीं है। वो कहते हैं ना, जब जब कागज़ पर लिखा मैंने अपनी माँ का नाम, कलम भी अदब से बोल उठी, जा हो गए तेरे चारों धाम।
उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।